इस कहानी की शुरुआत में हम प्रेडो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो सलमा और जॉर्ज को मौत के फरिश्ते की कहानी सुना रहा था। वो कहता है कि एक प्रोफेसर ने मौत के फरिश्ते को धोखा दिया था, इसीलिए मौत का फरिश्ता उसे चारों ओर ढूंढ रहा है। ये सुन के सलमा खुश होकर उससे कहती है कि प्रोफेसर के ऐसा करने से अब कोई भी अपनी फैमिली से दूर नहीं जाएगा। लेकिन अगले ही पल वो अपने पेरेंट्स को याद करके दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे। तो जॉर्ज उसे संभालता है और प्रेडो अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि प्रोफेसर के ऐसा करने से अब पूरी दुनिया अपनी अंत की ओर जा रही है। वो सारे लोग बीमार पड़ने लगे, क्योंकि प्रोफेसर ने जीवन और मृत्यु के साइकिल को तोड़ दिया था, और अब मौत के फरिश्ते ने उसे पकड़कर काल कोठरी में कैद कर दिया। और इसके बाद वो गांव वालों का हीरो बन गया। फिर बच्चे उसके साथ खेलने लगे। इससे मौत का फरिश्ता बहुत खुश हुआ और उसने गांव वालों को तोहफे में समय की घड़ी दी, जिससे अब कोई भी साल में एक दिन अपने मरे हुए फैमिली मेंबर से मिल सकता था। तो सलमा उससे पूछती है कि उसके मॉम डैड से मिलने के लिए उसे क्या करना होगा, लेकिन प्रेडो उसे इसके लिए मना करता है, क्योंकि नानी ने उसे सलमा को इस सब से दूर रखने के लिए कहा था। मगर सलमा जब जिद करती है तो प्रेडो और जॉर्ज वो फॉर्मेशन बनाने में उसकी हेल्प करते हैं, जिससे सलमा के पेरेंट्स उससे मिलने आ सके। अब कुछ देर वेट करने के बाद भी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होता, इसीलिए जॉर्ज कहता है कि हमें यहाँ पर सलमा के पेरेंट्स की कोई चीज रखनी होगी, जिससे वो यहाँ पर आ सके। अब सलमा थोड़ा सोचती है, फिर वो संदूक से ड्रैगन बॉक्स को उठाकर फॉर्मेशन के पास रख देती है और उसके अगले ही पल वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। उसमें से रियल ड्रैगन बाहर आता है तो जॉर्ज जाकर उसका सामना करने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक ड्रैगन के सामने टिक नहीं पाता। इसके बाद घर पर नानी जॉर्ज की हालत देखकर शर्मा को डांटने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारी फैमिली में सिर्फ जॉर्ज, प्रेडो और तुम्हारी नानी है, अब तुम फिर से उस फॉर्मेशन को दोबारा एक्टिवेट नहीं करोगी। तो सलमा अपनी नानी की बात मान लेती है। फिर वो वहाँ से अपनी बालकनी में चली जाती है, जहाँ से वो मरे हुए लोगों को अपनी फैमिली से मिलता हुआ देखकर रोने लगती है, लेकिन वो अपनी नानी के कहने पर फिर से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाती। इसके बाद हम 10 साल के बाद का सीन देखते हैं। नवंबर की 1 तारीख को सलमा खुशी से रेडी होकर बाहर जाती है, जहां रास्ते में एक टांगे वाला उस पर कीचड़ उड़ा देता है, तो वो सलमा को एक लॉकेट तोहफे में देकर उससे माफी मांगता है। तो सलमा उसे माफ करके वहां से अपने सीक्रेट पैलेस पर जाती है, जहां पहले से ही जॉर्ज और प्रेडो थे। अब सलमा उन्हें वो लॉकेट दिखाती है और उनसे एक बार फिर से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि अब भी वो अपने मॉम डैड से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों मान जाते हैं। तो सलमा उन्हें एक फॉर्मेशन के पास ले आती है, जहां वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन इस बार उसमें से एक एनर्जी बाहर निकलती है और उन तीनों को पीछे कर देती है। इससे सलमा दुखी होकर गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर सलमा जॉर्ज और प्रेडो के साथ ट्रेवल करके एक पुराने कासल में जाती है, जहां उन्हें एक क्रिएचर मिलता है, तो वो तीनों उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो क्रिएचर उन तीनों को एक किताब के पास ले जाता है और जैसे ही सलमा उस किताब को देखने लगती है, तभी उनके चारों ओर मैजिक होता है, जिसके बाद वो एक पोर्टल के थ्रू किसी और ही दुनिया में आ गए थे, जहां उनके चारों ओर अजीब अजीब पेड़ पौधे थे। अब वो क्रिएचर भागने लगता है तो सलमा फिर से उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन प्रेडो उसके पीछे जाने के लिए मना करता है, तो जॉर्ज उसे समझाता है, जिसके बाद प्रेडो ना चाहते हुए भी उनके साथ जाने लगता है। आगे वो तीनों एक ब्रिज से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें 2 गार्ड्स रोकते हैं, लेकिन सलमा वहाँ से जाने लगती है तो गार्ड्स उसके आगे आ जाते हैं और वो काफी गुस्से में लग रहे थे। तभी सलमा उस किताब के स्पेल का यूज करके उन गार्ड्स पर अटैक करती है, इससे वो दोनों गार्ड्स बड़े ही आसानी से मारे जाते हैं। ये देखकर प्रेडो और जॉर्ज को यकीन नहीं होता कि सलमा ने उन गार्ड्स को मार दिया, लेकिन तभी वो जगह अचानक से हिलने लगती है और उसी दौरान वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल गार्ड आ गया था और इसीलिए वो सब वहाँ से भागकर एक जगह छुप जाते हैं। तभी वो गार्ड उन पर अटैक करने ही वाले थे, तो सलमा एक बार फिर से उस किताब के स्पेल को पढ़ती है, जिससे वो सब उस गार्ड के अटैक से बच जाते हैं। तभी वहाँ पे हम कुछ छोटे स्केलेटन को देखते हैं, जो पोर्टल से वहाँ पर आ गए थे और कुछ तो वहाँ के गार्ड्स के साथ खेल रहे थे, जिन्हें गार्ड्स कुछ नहीं कर रहा था। पर तभी सलमा एक स्पेल फिर से पढ़ती है, जिससे उन दोनों का रूप ही बदल जाता है और फिर वो दोनों गार्ड्स को परेशान करने लगते हैं, तो गार्ड उन पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर सलमा इमोशनल होते हुए कहती है कि इन दोनों को मैंने ही यहाँ आने को कहा था, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में स्पेल बोलती है, जिससे एक टाइगर स्पिरिट बाहर आकर उस गार्ड पर अटैक करता है और सलमा खाई की तरफ देखकर उन दोनों के लिए रोने लगती है। वही ये दोनों एक झील में आकर गिरते हैं और फिर वो दोनों नाव में बैठकर स्केलेटन सिटी में आते हैं, जो दिखने में काफी खूबसूरत थी और वहाँ पे चारों ओर स्केलेटन घूम रहे थे। अब प्रेडो और जॉर्ज उन स्केलेटन से ऊपर जाने का रास्ता पूछते हैं,
मगर उन्हें उन रास्ते के बारे में कोई नहीं बताता। तभी उनके पास दो सर वाला स्केलेटन आता है जिसके अंदर से एक रियल स्केलेटन बाहर आता है और वो प्रेडो और जॉर्ज को अपने पीछे आने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ सलमा अभी भी उन दोनों के लिए रो रही होती है। तभी उसके पास प्रोफेसर आता है और उसे बताता है कि मैं मरे हुए लोगों को धरती पर बुला सकता हूँ और अभी तुमने जिन्हें खोया है वो भी वापस आ सकते हैं। अब ये सब प्रोफेसर को इसीलिए पता होता है क्योंकि वो सलमा को काफी टाइम से छुपकर देख रहा था। वहीं सलमा भी अब प्रोफेसर पर भरोसा करती है और उसे वो किताब दे देती है, लेकिन वो प्रोफेसर जब उस किताब को देखता है तो कुछ नहीं होता, इसीलिए वो सलमा को एक स्पेल पढ़ने को कहता है। अब जैसे ही सलमा उस स्पेल को पढ़ती है तो वहाँ एक रास्ता बनता है तो वो दोनों उस रास्ते से आगे जाने लगते हैं। इधर प्रेडो तितलियों को पकड़ते हुए कहता है कि ये तितलियाँ कितनी अमेजिंग है, ये तो इंसानों की तरह बोल सकती है। तभी एक स्केलेटन उसे बताता है कि ये कोई सिटी नहीं है बल्कि ये हेवन है और जिसे वो तितलियाँ समझ रहा है असल में वो तितलियाँ नहीं बल्कि ये तुम जैसे लोगों की यादें हैं। जो लोग धरती पर उन्हें याद करते हैं वो यहाँ पर तितलियाँ के रूप में उनके पास आती है जिससे वो साल में एक बार धरती पर अपनी फैमिली से मिल पाते हैं। तभी जॉर्ज एक बात नोटिस करता है कि ये तितलियाँ ही उन स्केलेटन को धरती पर भेजती है। फिर उसे एक आइडिया आता है कि वो भी इन तितलियों की मदद से वापस धरती पर जा सकते हैं। तो जॉर्ज ये प्लान प्रेडो को बताता है जिसके बाद प्रेडो उन तितलियों को पकड़ने लगता है। वहीं सलमा को रास्ते में वो प्रोफेसर अपनी लव स्टोरी बताता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो लड़की भी उसे चाहती थी, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी मगर प्रोफेसर उसे अब भी उतना ही प्यार करता था, इसीलिए प्रोफेसर उसके मरने से कुछ देर पहले ही उसके साथ शादी करता है और उसके बाद वो लड़की मर जाती है और तभी मौत का फरिश्ता आकर उसे अपने साथ ले जाता है और इसीलिए प्रोफेसर ने मौत के फरिश्ते को धोखा दिया था। अब वो दोनों एक महल में पहुंच जाते हैं जहां प्रोफेसर उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहां पर रहते थे। फिर वो सलमा को उनकी तस्वीर दिखाता है जिसमें सलमा के पेरेंट्स के साथ उसकी नानी भी थी, इसीलिए सलमा कहती है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि उसे बचपन से बताया गया था कि उसकी परवरिश नानी ने की है और वो उसके पेरेंट्स को नहीं जानती थी। तभी वहां पर कोई आता है। इधर प्रेडो एक तितली को पकड़ते पकड़ते वाइन शॉप में आकर किसी से भिड़ जाता है तो वो स्केलेटन उसे तितली को आजाद करने के लिए कहता है तो प्रेडो उसे समझाता है कि ये उसके वापस जाने का रास्ता है और इसीलिए वो इसे भूल जाए, लेकिन वो स्केलेटन कहता है कि ये तितलियां तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम इसे अभी के अभी छोड़ दो, लेकिन प्रेडो तितली वापस देने से मना करता है जिसके बाद वहां पर उन दोनों टीम के बीच फाइट होने लगती है। तभी वाइन शॉप का ऑनर उन्हें रोकता है, फिर जॉर्ज उनके कपड़ों को देखकर उन्हें पहचान लेता है कि ये तो उन दोनों के डैड हैं और उनके डैड भी उन्हें पहचान लेते हैं। वहीं सलमा के पास उसकी नानी आती है तो सलमा उनसे पूछती है कि क्या यही उसके पेरेंट्स हैं, तो नानी को ना चाहते हुए भी उसे सच बताना पड़ता है कि यही तुम्हारे पेरेंट्स हैं। उसके डैड ने उसकी मॉम को बचाने के लिए प्रोफेसर को बुलाया था, लेकिन प्रोफेसर वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनका सीक्रेट चुराने आया था जिससे उसने मौत के फरिश्ते को हरा दिया था। अब उसकी मॉम तो ठीक हो गई थी लेकिन उसका जीवन चक्र टूट गया था। उसके बाद वो मौत का फरिश्ता उसके पेरेंट्स को वहां से ले गया और दूसरी तरफ उसने प्रोफेसर को कैद कर दिया था। तभी सलमा पूछती है कि तब वो कहां पर थी, तो नानी बताती है कि वो उस वक्त इस दुनिया में आ गई थी जब वो तुम्हारे पेरेंट्स को यहां से ले जा रहे थे, लेकिन उसने उसे छुपा दिया और सबको बताया कि तुम उसे रोड पर मिली थी, इसीलिए मौत का फरिश्ता उसे अब तक अपने साथ नहीं ले गया और यही कारण है कि सलमा अपने पेरेंट्स को धरती पर नहीं बुला सकती। ये सुन के सलमा गुस्से में वहाँ से बाहर जाती है तो उसके पीछे प्रोफेसर भी बाहर आता है। तभी सलमा के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती है, ये देख कर सलमा हैरान होती है तो प्रोफेसर उसे बताता है कि तुम जीवन और मौत की राजकुमारी हो, इसीलिए तुम अपने पेरेंट्स को धरती पर एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए बुला सकती हो। ये सुनकर सलमा बहुत खुश होती है। इधर प्रेडो और जॉर्ज को उसके डैड डांट रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने पेरेंट्स को धरती पर मिलने के लिए नहीं बुलाया था। तभी उन्हें न्यूज मिलती है कि प्रोफेसर ने सलमा को फंसाकर उसे विच बना दिया है। इधर प्रोफेसर सलमा को एक स्पेल पढ़ने के लिए देता है और जैसे ही सलमा उस स्पेल को पढ़ने लगती है तभी वहाँ मौत का फरिश्ता आता है, लेकिन जो सलमा स्पेल पढ़ रही थी उससे मौत के फरिश्ते की पूरी पावर प्रोफेसर के अंदर ट्रांसफर हो रही थी, इसीलिए वो मौत का फरिश्ता कुछ कर नहीं पा रहा था। प्रोफेसर ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। अब वो उससे उसका वेपन छीन लेता है और फिर उसे मारने का कहता है तो सलमा उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन प्रोफेसर उसे ही वहाँ से नीचे गिरा देता है। तो सलमा को रियलाइज होता है कि प्रोफेसर उसे बस अपने बदले के लिए यूज कर रहा था। वहीं प्रेडो और जॉर्ज डेमन को पकड़ रहे थे और वहीं कुछ डेमन ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं तो प्रेडो और जॉर्ज जैसे तैसे उस ट्रेन में घुस जाते हैं जहाँ उनका सामना कुछ बुरे स्केलेटन से होता है तो वो दोनों मिलकर उन स्केलेटन से सामना करते हैं। इधर सलमा और उस प्रोफेसर में फाइट होती है जिसमें सलमा उस पर दो स्नेक्स से अटैक करती है जिससे प्रोफेसर बच नहीं पाता और वो थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन वो फिर से एक बार सलमा पर अटैक करता है
पर तभी सलमा उसकी वाइफ को वहाँ पर बुलाती है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। फिर सलमा मौत के फरिश्ते को उसका वेपन वापस दे देती है, जिससे उसे अपनी पावर्स भी वापस मिल जाती है। और उसके बाद वो सलमा को अपनी पावर से पहले जैसा नॉर्मल बना देता है और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स को भी वहाँ पर बुला देता है। सलमा अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वो जॉर्ज और नानी से माफी भी मांगती है। अब मौत का फरिश्ता प्रोफेसर और उसकी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।